तो दोस्तों काफी सारे योनो एसबीआई प्लस इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स बार बार एक सवाल करते हैं, जब भी मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर करना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में हमें एक मोबाइल नंबर इनपुट करना होता है, वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मैं यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट करता हूं और पूरी तरीके से फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूं, तो मुझे एक पॉपअप मैसेज दिख जाता है, योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ओके। जबकि मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही इनपुट करता हूँ, मुझे कन्फर्म पता है, उसके बावजूद भी मुझे यही सेम प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? आखिर में ये क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है? तो दोस्त वैसे तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। लेकिन इस वीडियो को आज जरूर देखना, क्योंकि इसके अलावा आज मैं जो तरीका बताऊंगा ना, इस तरीके को फॉलो करके आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है भी नहीं, ओके। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां हो सके शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही होगी उनको छुटकारा मिल सके इस प्रॉब्लम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी जानकारी दे रखा है, जहां तक मुझे जानकारी थी, लेकिन मैं कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी तो नहीं हूं, इसलिए मुझे उसके टर्म एंड कंडीशन रूल्स के बारे में पता नहीं है और ये प्रॉब्लम क्यों आती है एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरे को कल एक बंदे ने, एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है और इसका सॉल्यूशन ये है। क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल से एज ए क्लर्क वहाँ का कर्मचारी हूँ, वहाँ पर काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो भाई मैं इस बंदे को, इस भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय मेरे साथ साझा किया है और इनको इस चीज़ के बारे में मालूम है और इन्होंने मुझे सही चीज़ें जानकारी दी हैं, यानी कि सही सही इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया है और मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि CIF नंबर यानी कि CIF आईडी में 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो पाता है, यानी कि 1 CIF नंबर से 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ओके। और जब 1 CIF नंबर से 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ओके। देखिए इन्होंने साफ साफ लिख रखा है CIF आईडी में 2 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो तब होता है ऐसा प्रॉब्लम। जिन कस्टमर के साथ होती उन्होंने कभी ना कभी अपना मोबाइल नंबर चेंज किया होगा और ब्रांच की लापरवाही के कारण पुराने नंबर को ना हटाकर न्यू नंबर को भी जोड़ दिया CIF आईडी में, ठीक है। मतलब इनका कहना यह है कि अगर मान लो आप अपने ब्रांच में जाते हो मोबाइल नंबर को चेंज करवाने के लिए, तो ब्रांच की जो सर्विस है वो सही नहीं है या फिर उसकी लापरवाही के कारण आपका पुराना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था पहले से उसको वहीं पर छोड़ दिया गया, रिमूव नहीं किया गया और दूसरा मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर्ड कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया है क्योंकि CIF आईडी में 2 मोबाइल नंबर जोड़े जा सकते हैं और इस बात को मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ओके। और यह ऑप्शन ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, ओके। यह ब्रांच वालों का बेवकूफ़ी से हुआ है और यह सिर्फ ब्रांच ही ठीक कर सकती है। मतलब कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विथ योर इंटरनेट बैंकिंग, तो भाई आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा, आप घर से इसे ठीक नहीं कर सकते। दूसरा मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं लेकिन आप उसे रिमूव नहीं कर सकते अगर एक ही CIF आईडी से दो दो तीन तीन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है जब भी आप ब्रांच जाए तो ब्रांच के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनको बोले कि सर मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि CIF आईडी से, CIF नंबर से दो दो मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, पहले वाला रिमूव नहीं किया गया, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले CIF आईडी से दोनों मोबाइल नंबर रिमूव कर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में, जो प्राइमरी मोबाइल नंबर का सेक्शन होता है उसमें कस्टमर को जो मोबाइल नंबर अपने अकाउंट से जोड़ना है वो मोबाइल नंबर डाला जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको जिस मोबाइल नंबर को अपने अकाउंट से लिंक करवाना है ना, उस मोबाइल नंबर को आपको बैंक कर्मचारी को देना है, मैनेजर को देना है, और प्राइमरी वाले सेक्शन में वहाँ पर आपका वही मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। पहले दोनों मोबाइल नंबर को रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप लिंक करना चाहते हो उसे प्राइमरी वाले सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा,
ओके देखिए आपने रीजन समझ लिया ना। रीजन ये प्रॉब्लम तब आती है जब एक ही CIF आईडी से CIF नंबर से दो दो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप ब्रांच में जाकर के विजिट करें, नंबर को रिमूव करवाएं दोनों मोबाइल नंबर को, और जो आप लिंक करना चाहते हैं उसे आप प्राइमरी वाले सेक्शन में ऐड करवा दें। आपका प्रॉब्लम सॉल्व 100% हो जाएगा। और साथ ही इन्होंने बाद में ये भी लिखा है, बुरा मत मानिए भाई, मैं पिछले 3 साल से स्टेट बैंक में हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में एज ए क्लर्क, तो तभी मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है इन सब में। तो मैं इन भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय देकर के मुझे सही इन्फॉर्मेशन शेयर किया है और मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को सही जानकारी मिल गई होगी और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।